दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया, अब दोबारा से ऑस्ट्रेलिया को है ललकारा। जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2022 में शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम एक साल के लिए काफी ज्यादा क्रिकेट खेलने वाली है और इसी बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का ऐलान हो गया है। आखिरकार इस सीरीज में कब और कहां पर मुकाबले होंगे ये तो हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पूरा स्केड्यूल भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और डेविड वॉर्नर में कौन है खतरनाक खिलाड़ी, इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले काफी ज्यादा रोमांचक तरीके से देखे जाते हैं। वैसे तो भारत और पाकिस्तान से बढ़कर कोई भी मुकाबला नहीं होता है, लेकिन भारतीय टीम का हर मुकाबला किसी भी टीम से हो, दर्शक तो भाई क्रेज बढ़ ही जाता है। और यहाँ पर दोनों टीमों के रिकॉर्ड के बारे में सबसे पहले बात करें तो T20 रिकॉर्ड में 26 बार आमना सामना हुआ और यहाँ 15 बार भारत और 10 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। इसके अलावा वनडे सीरीज की बात की जाए तो वनडे सीरीज में 143 बार आमना सामना हुआ, जहां पर 53 बार भारत और 80 बार ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। तो वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट मुकाबलों में 102 मैचों के अंदर भारत को 30 और ऑस्ट्रेलिया को 43 में जीत मिली है और 28 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। तो वहीं दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबलों के लिए दर्शकों का जमावड़ा लगा रहता है। आपको बता दें कि दोस्तों, वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम सेमीफाइनल में, तो वहीं मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो लीग स्टेज में ही बाहर हो गई थी। इसके अलावा वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज हुई थी, जहां पर भारतीय टीम को 2-1 से जीत मिली थी। तो ऐसे में अब दोनों टीम एक बार फिर से आमने सामने खेलते हुए दिखाई देंगी, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जल्द ही टेस्ट और वनडे सीरीज होने वाली है। आपको बता दें दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हर 2 साल में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है और एक बार फिर से फरवरी और मार्च के महीने में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज भारतीय सरजमीं पर होने वाली है, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी से होगी। और इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है, क्योंकि साल 2023 में वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है। ऐसे में इसकी तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज के तुरंत बाद ही 3 मैचों की वनडे सीरीज भी होगी, जो 15 मार्च से खेली जाएगी। इसके अलावा सितंबर में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए भारत की धरती पर आएगी। तो दोस्तों, दोनों टीमों के बारे में बात करें तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड, डेविड वॉर्नर, एरोन पिंच, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू वेड, ग्रीन पैट और पैट कमिंस, एडम जंपा, मिशेल स्टार्क और हेजलवुड जैसे खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ से भारतीय टीम की बात की जाए तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या जैसे धाकड़ बल्लेबाज तो खेलते हुए दिखाई देंगे ही देंगे। साथ ही साथ गेंदबाज के तौर पर यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रफ्तार के सौदागर इमरान मलिक खेलते हुए दिखाई देंगे। और इन्हीं टीम के अनुसार भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में आमने सामने होंगी। वैसे दोस्तों, इस सीरीज का रोमांच एक बार फिर से सातवें आसमान पर होगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी एक बार फिर से या फिर नहीं, इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।